तेंदुलकर, लालू यादव का परिवार, रैपर हनी सिंह अमेरिका से, किम कैडेशियन ब्रिटेन से, वहां के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और दक्षिण कोरिया से सैमसंग कंपनी के चेयरमैन ली जे यांग जैसी नामी शख्सियतें मुंबई पहुंच चुकी हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट अंबानी परिवार के घर इंटीलिया में सात फेरे लेंगे। शादी के बाकी कार्यक्रम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर में होंगे। फिर कल यानी कि 13 जुलाई को शाम 6 बजे नेता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में मिनी रिसेप्शन होगा और 14 जुलाई को मुख्य रिसेप्शन होगा। इस ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में कई नामी हस्तियां शामिल होंगी। शादी से पहले इंटीलिया में शिव शक्ति का भव्य अनुष्ठान किया गया, जिसमें अंबानी परिवार ने कई फीट के शिवलिंग का अभिषेक किया। अनंत राधिका ने पूजा अर्चना की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने यह अनुष्ठान करवाया। अनुष्ठान में मशहूर गायक कैलाश खेर और बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह ने भक्ति के गीत पर परफॉर्म कर आयोजन में 4 चांद लगा दिए। और चलिए अब आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लालू यादव बिहार के पूर्व सीएम पहुंचे, ममता बनर्जी पहुंची, बंगाल के सीएम पूर्व क्रिकेटर भी सचिन तेंदुलकर पहुंचे, जहां तेजस्वी यादव भी आपको नजर आए हैं, रैपर हनी सिंह भी पहुंचे। और इस दौरान आप देखेंगे कि टोनी ब्लेयर और अलग अलग देशों के जो दिग्गज हैं वो भी इस शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। वो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के कार्यक्रमों में भारत की संस्कृति और विरासत की छाप देखने को मिल रही है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी का वाराणसी से विशेष नाता रहा है। पिछले महीने वो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने भी गई थी और ऐसे में आज जब उनके बेटे की शादी होने जा रही है तो अंबानी परिवार की खुशियों के इस जश्न में काशी के पवित्र नगरी की झलक देखने को मिलेगी। अनंत, काशी के साथ मेरी भक्ति का एक गहरा और विशेष नाता रहा है। फॉर मी एंड माई फैमिली इट हैज ऑलवेज बीन इम्पॉर्टेंट टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर देवीज एंड देवताज बिफोर एनी ऑस्पिशियस बिगिनिंग। अ फ्यू वीक्स बैक आई वेंट टू वाराणसी टू प्रे फॉर माई चिल्ड्रन अनंत एंड राधिका बिफोर द वेडिंग। नमस्ते राजेश जी। नमस्ते। अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर? बहुत अच्छा लगा, आपने हमको बुलाने का वादा किया था। हाँ, पूरा आपने किया। आप सब आ गए यहाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शादी के अटूट बंधन में बंधने से पहले मुंबई में अंबानी परिवार, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सचिन तेंदुलकर, लालू यादव का परिवार, रैपर हनी सिंह, अमेरिका से सेलिब्रिटी किम कार्डेशियन, ब्रिटेन से वहां के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और दक्षिण कोरिया से सैमसंग कंपनी के चेयरमैन ली जे योंग जैसी नामी शख्सियतें मुंबई पहुंच चुकी हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट अंबानी परिवार के घर इंटीरिया में सात फेरे लेंगे। शादी के बाकी कार्यक्रम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर में होंगे। फिर कल यानी 13 जुलाई को शाम 6 बजे नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में मिनी रिसेप्शन होगा और 14 जुलाई को मुख्य रिसेप्शन होगा। इस ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में कई मशहूर हस्तियां पहुंचेंगी। शादी से पहले एंटीलिया में शिव शक्ति का भव्य अनुष्ठान किया गया, जिसमें अंबानी परिवार ने कई फीट के शिवलिंग का अभिषेक किया। अनंत और राधिका ने ईश्वर का आशीर्वाद लिया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने ये अनुष्ठान करवाया। वहीं गायक कैलाश खेर और रणवीर सिंह ने भक्ति के गीत पर परफॉर्म कर आयोजन में 4 चांद लगा दिए। अनंत अंबानी और राधिका की ग्रैंड वेडिंग में अब कुछ घंटों का ही वक्त बचा है, जिसके हर रंग की गवाह दुनिया बनने जा रही है।
तो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के लिए देश विदेश से मेहमान लगातार मुंबई पहुंच रहे हैं, उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आज अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने के लिए दुनिया भर की बड़ी शख्सियतें पहुंच रही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी शादी में हिस्सा लेने के लिए राजनेताओं का मुंबई पहुंचना भी शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव, लालू यादव और ममता बनर्जी मुंबई पहुंच गई हैं और इस दौरान की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, विदेशी मेहमान भी इस शादी में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। मुंबई में दिग्गजों का आज जमावड़ा लगा हुआ है, जहां एक तरफ शादी समारोह में शामिल होने के लिए जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो भी बुलाए गए हैं। और आप ये देखिए कि देश के कोने कोने के साथ साथ विदेशों से भी जो मेहमान पहुंचे, जॉन सीना भी पहुंच रहे हैं, यानी कि जिन्हें चाहते जॉन सीना को देखने के लिए उनके भी खबर है कि वो भी पहुंचे हुए हैं और इस शादी के साक्षी बनेंगे, अनंत शुभकामनाएं देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए और इस देश दुनिया की सबसे बड़ी शादी में शामिल होने के लिए दिग्गजों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। और अभी देखिए, तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आप देखेंगे एक तरफ ममता बनर्जी बंगाल के सीएम, दूसरी तरफ अखिलेश यादव यूपी के पूर्व सीएम नजर आ रहे हैं, जो कि इस शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और वहीं बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव भी पहुंचे हुए हैं इस शादी में शामिल होने के लिए। तो मुंबई में आज आपको वीवीआईपी मेहमान नजर आएंगे, लालू यादव, तेजस्वी यादव आपको नजर आएंगे, अखिलेश यादव आपको दिख जाएंगे यहां पर। दूसरी तरफ बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी पहुंची हुई हैं और इस ग्रैंड शादी की साक्षी ये सभी बनने वाले हैं। तो आप देखिए कि इस शादी में हर सब कुछ बहुत ही खास है। लंबे दिनों तक चलने वाली शादी, लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं। इसके पहले शिव शक्ति पूजा हुई है जब शिवलिंग की पूजा की गई है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे सब एक से एक बढ़कर जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर है उसे भरपूर देश दुनिया में दिखाने की ये तस्वीरें रही हैं, जब किस तरीके से पूरे रीति रिवाजों के साथ ये शादी संपन्न आज होने जा रही है। आज अनंत और राधिका एक दूजे के हो जाएंगे और शादी में दिग्गजों के जमावड़े की तस्वीरें जो आपको दिखाई जा रही हैं ये आज की ही तस्वीरें हैं। तो आपको कुछ और भी अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे, किस तरीके से पूजा हुई है, पूजा संपन्न हुई है, क्या क्या रीति रिवाज यहाँ पर फॉलो किए गए हैं और किस तरीके से सांस्कृतिक धरोहर को समेटते हुए ये पूरी शादी आज संपन्न होने जा रही है। बहुत ही सुंदर तरीके से पूरी कार डेकोर की गई है और आप देखिए ढोल नगाड़ों के साथ जो खास मेहमान है उनका वेलकम किया जा रहा है। हर उस मेहमान का वेलकम बिल्कुल अलग अंदाज में हो रहा है जो कि शादी में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, द ग्रैंड वेडिंग में पहुंचे ग्लोबल गेस्ट और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मेहमान आ रहे हैं। और सबसे खास बात ये है कि अनंत और राधिका मर्चेंट की शादी सबसे बड़ी शादी कही जा रही है और मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भव्य तरीके से पूरी साज सजावट की गई है, हर एक कोने को बहुत ही सुंदर तरीके से, अनोखे तरीके से सजाया गया है। और ये देखिए, माधुरी दीक्षित नेने पहुंची हुई हैं शादी समारोह में शामिल होने के लिए। और आपने देखा इसके पहले जब यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा था तभी पहुंची थी। सारा अली खान भी मौके पर पहुंची हुई हैं शादी समारोह को अटेंड करने के लिए और बहुत ही सुंदर खूबसूरत लग रही हैं। इसी तरीके से फिल्मी सितारे यहाँ पर लगातार नजर आए हैं और इसके पहले जो संगीत फंक्शन हुआ था उसमें आपने देखा था कि सब ने खूब इंजॉय किया, खूब डांस किया गया और हर उस मेहमान का बेहतर तरीके से वेलकम हो रहा है जो कि शादी में शामिल होने के लिए आया हुआ है।
तो देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस शादी में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव भी पहुंचे हुए हैं, आपको नजर आ रहे हैं, जो पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जो मेहमान पहुंच रहे हैं, लालू प्रसाद भी, लालू यादव भी पहुंचे हुए हैं शादी में शामिल होने के लिए, और विदेशी मेहमान भी आपको तेजस्वी यादव भी नजर आ जाएंगे। देश विदेश से मेहमान लगातार मुंबई पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, राजनेताओं का मुंबई पहुंचना शुरू हो चुका है, ममता बनर्जी भी पहुंची हुई हैं, वो भी आपको नजर आई हैं, और साथ ही विदेशी मेहमान जो हैं वो भी आना शुरू हो चुके हैं। तो देखिए कि शादी के अटूट बंधन में बंधने से पहले मुंबई में अंबानी परिवार के घर इंटीरियर में शिव शक्ति का भव्य अनुष्ठान किया गया। ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए अनंत और राधिका ने पूजा अर्चना की, और दोनों के साथ ही मुकेश और नीता अंबानी ने पूरे विधि विधान के साथ कई फीट ऊंचे शिवलिंग का अभिषेक किया। बता देंगे खास बात यह रही कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों की मौजूदगी में हवन और महाआरती के साथ यह अनुष्ठान संपन्न कराया गया है। देखिए माधुरी दीक्षित ने आपको नजर आ जाएंगी, तो दुनिया के इस